हेलो स्टूडेंट्स अगेन आई वेलकम यू ऑल इन कंप्यूटर क्लास स्टूडेंट इट्स अ रिविजन सेशन चैप्टर फोर हाउ डज़ कंप्यूटर वर्क स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम लोग रिवाइज करेंगे कि कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता है किन थ्री परफॉर्मेंस के थ्रू या फिर किन थ्री फॉर्म्स पर वर्क करता है बेसिकली इनपुट प्रोसेस और आउटपुट पर वर्क करता है तो वो चीज़ें डिस्कस करेंगे बाकी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा सेशन आपके लिए अगर आपने चैप्टर थ्री चैप्टर टू एंड चैप्टर वन का अगर रिविजन सेशन नहीं देखा है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके देख लीजिएगा उसमें मैंने लिंक शेयर कर दिए हैं और उनको देख के फिर आप अपने एग्जाम्स को अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं चीज़ों को समझ सकते हैं और अपने अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर बना सकते हैं तो स्टूडेंट इस चैप्टर में हम लोग रिवाइज करेंगे

हमारे स्क्रीन तक या फिर हमें आउटपुट की फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर से हमारे डेटा को प्रिंट करके हमें देता है इन दिस टॉपिक विल डिस्कस ओनली आई पी ओ साइकिल आईपीओ साइकिल मीन्स इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट मीन्स कंप्यूटर परफॉर्म करता है जो भी वर्क वो आई ओ पी साइकिल के बेसिस पे करता है मींस इनपुट प्रोसेस और आउटपुट की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है स्टार्ट करेंगे फिर चिल्ड्रेन वानस यू अंडरस्टूड दैट कंप्यूटर इज अ मशीन एंड हेल्प अस इन डूइंग अवर वर्क इन एन इजी मैनर स्टूडेंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर क्या है कंप्यूटर एक मशीन है जो क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और कंप्यूटर हमारे लिए क्या है बहुत हेल्पफुल है बिकॉज कंप्यूटर हमारे काम को एक इजी वे में या फिर आसान तरीके से हमारे काम को करने में मदद करता है और किसी भी काम के लिए किसी भी काम को करने के लिए उसको कम टाइम लगता है एज कंपेयर एज ह्यूमन बींग तो स्टूडेंट बेसिकली कंप्यूटर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है कंप्यूटर मशीन है और वो परफॉर्म करिएगा सिर्फ वही टास्क जिसको हमने क्या किया है एक ह्यूमन बींग क्या करता है जो भी इंस्ट्रक्शन देगा कंप्यूटर को उसी के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर अपना वर्क करना स्टार्ट करेगा और हमें एक परफॉर्मेंस देगा एक एक्यूरेट मैनर में एक डिलीजेंस वे में स्टूडेंट मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड कंप्यूटर बताया था तो शायद आपको वो रिमेंबर होगा ध्यान होगा अगर नहीं ध्यान है अगर आपने चैप्टर टू और चैप्टर वन का रिवीजन सेशन नहीं देखा है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके देख लीजिएगा और कुछ कॉन्सेप्ट जो आपके अभी क्लियर नहीं है वो आप वहाँ से समझ सकते हैं स्टूडेंट <coughs> मुझे लाइव चैट में सेंड करिए व्हाट इज़ कंप्यूटर कंप्यूटर क्या है व्हाट इज़ कंप्यूटर इसका आंसर सेंड करिए फिर आगे बढ़ते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर व्हाट इज़ कंप्यूटर कंप्यूटर क्या है उसका आंसर सेंड करिए मुझे स्टूडेंट अपना नेम जरूर सेंड करा करिए बिकॉज मैं आपको रेस्पॉन्स कर सकूँ आपके नेम के अकॉर्डिंग ओके वेरी गुड फटाफट से आंसर सेंड करिए हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता है बेसिकली टू डू एनी वर्क ऑन कंप्यूटर किसी भी काम को करने के लिए कंप्यूटर पर वी हैव टू फॉलो दीज थ्री सिंपल स्टेप्स हमें थ्री सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है या थ्री सिंपल स्टेप्स को याद रखना पड़ता है कंप्यूटर पे वर्क करने की डरशन में फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम इनपुट देते हैं किसी भी डेटा को देते हैं इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद अ कंप्यूटर इनपुट हमारा कीबोर्ड के की थ्रू हो सकता है इनपुट हमारा माउस के थ्रू हो सकता है बिकॉज कीबोर्ड एंड माउस बोथ आर इनपुट डिवाइसेस अगर हमने कोई भी लेटर टाइप करना है तो हम क्या करेंगे कीबोर्ड से कीज को प्रेस करेंगे किसी का कॉन्टैक्ट नंबर अगर हमें लेना है या कॉन्टैक्ट नंबर सेव करना है तो उस कॉन्टैक्ट नंबर को भी हम क्या करेंगे कंप्यूटर सिस्टम में विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिक कीज यूज़ करेंगे और उसका कॉन्टैक्ट नंबर हम उसमें राइट कर देंगे किसी का एड्रेस हो गया या फिर किसी स्पेशल कैरेक्टर्स को भी हम उसमें यूज कर सकते हैं या फिर स्पेशल साम्बल को भी हम यूज कर सकते हैं कम्युनिकेशन का मीस होता है एक मीडियम जिसके थ्रू हम बातचीत करते हैं तो इनपुट डिवाइसेज में माउस और कीबोर्ड क्या है एक मीडियम है कंप्यूटर सिस्टम से बात करने के लिए इफ वी आर टॉकिंग इफ आई एम गोइंग टू कम्युनिकेट विद यू अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ओके विदाउट इंटरनेट की कनेक्टिविटी के मैं आपके सामने बैठ के आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर पाऊंगा या आप मेरे इस सेशन को देख नहीं पाएंगे सेकेंड स्टेप है प्रोसेस प्रोसेस किस तरीके का होना चाहिए वर्क ऑन द डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कम्प्यूटर सिस्टम को विद द हेल्प ऑफ इनपुट उसी के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग डेटा का प्रोसेसर प्रोसेसिंग होनी चाहिए या डेटा का इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग प्रोसेसड होना जरूरी है जैसे आपने एडिशन दिया टू प्लस थ्री इंस्ट्रक्ट किया तो टू और थ्री का एडिशन कितना होना चाहिए फाइव होना चाहिए तो वो विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होगा स्ट्रक्शन के थ्रू आपका जो वर्क है वो परफॉर्म होगा देन फाइनली हमें क्या होगा रिजल्ट शो होगा मॉनिटर की स्क्रीन पर जिसको हम आउटपुट बोलते हैं फाइनल रिजल्ट बोलते हैं चाहे वो मॉनिटर स्क्रीन पे हो या फिर प्रिंटेड ऑन द पेपर या फिर पेपर के ऊपर प्रिंट हो इसी साइकिल को हम क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड आई पी ओ इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल स्टूडेंट यहां तक की बात क्लियर हुई होगी नाउ टेल मी वॉट इज इनपुट इनपुट क्या है मुझे लाइव चैट में आंसर सेंड करिए व्हाट इज इनपुट एंड टेल मी एनी टू इनपुट डिवाइसेस और टू इनपुट डिवाइसेस के नेम भी सेंड करिए आई एल गिव यू टाइम फॉर दैट मैं आपको टाइम दे रहा हूँ व्हाट इज इनपुट एंड गिव टू इनपुट डिवाइसेस नेम सेंड करिए स्टूडेंट्स आंसर्स अपने आंसर सेंड करिए एक प्रोसेस देखिए स्टूडेंट्स प्रोसेस क्या है इनपुट डेटा देन प्रोसेस एंड देन आउटपुट इनपुट क्या हो गया आपका माउस हो गया या फिर कीबोर्ड हो गया वो हो गया आपका इनपुट इन डिवाइसेस के थ्रू आप इनपुट देते हैं माउस या फिर कीबोर्ड के थ्रू स्टूडेंट स्मॉल बटन्स ऑन द कीबोर्ड इज नोन एज कीज उनको कीज बोलते हैं प्रोसेसिंग होगी या प्रोसेस होगा हमारा विद द हेल्प ऑफ सीपीयू जिसको हम ब्रेन बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड आउटपुट क्या होता है हमारा या प्रिंटर हो सकता है या फिर हमारा मॉनिटर हो सकता है अगर हमें स्क्रीन पे देखना है तो वो हमारा आउटपुट क्या होगा मॉनिटर पे हो जाएगा बट अगर हमें प्रिंट ऑन पेपर चाहिए तो क्या होगा वो हमारा विद द हेल्प ऑफ प्रिंटेड कॉपी हम मॉनिट उसे मॉनिटर से जो हमारी हार्ड कॉपी निकलेगी विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर वो हम क्या ले सकते हैं आउटपुट ले सकते हैं जैसे आपका क्वेश्चन पेपर हो गया है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट यहां तक की बात क्लियर हुई होगी ना स्टूडेंट टेल मी व्हाट इज द ऑफ आईपीओ साइकिल आईपीओ साइकिल का फुल फॉर्म क्या है वो सेंड करिए आईपीओ साइकिल का फुल फॉर्म क्या है वो सेंड करिए फिर आगे बढ़ते हैं आईपीओ <coughs> का फुल फॉर्म सेंड करिए आईपीओ जो प्रोसेस उसको सेंड करिए ओके राइट आंसर्स वेरी गुड ओके लेटस स्टार्ट आई मीन्स इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट यूज इन डेली लाइफ डेली लाइफ में इस, इसका यूज करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात करें तो मैंगो जूस की फॉर मेकिंग मैंगो जूस मैंगो जूस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा ऑरेंजेस चाहिए होंगे जो कि हम जिसको इनपुट बोल सकते हैं प्रोसेसिंग में हमें जूसर चाहिए होगा एंड देन ऑरेंज पील्स को क्या करेंगे हम जूसर में डाल के उसको मिक्स कर लेंगे देन हमारा जूस जो रेडी है वो ग्लास में है वो है आउटपुट डिवाइस अगर किसी को जूस पीना हो यहाँ से पी सकता है बन गया है रेडी हो गया आपके लिए जूस तो ये प्रोसेस क्या हमारा इनपुट प्रोसेस आउटपुट इनपुट में हमने क्या दिया मटेरियल प्रोवाइड कराया फिर इसको जूसर में क्या किया एक प्रोसेसिंग दे दी कि कितनी देर तक इसको यूज करना है देन आउटपुट मिल गया आई होप यहां तक की बात क्लियर ही होगी यहां तक की बात समझ में आ गई तो सेंड करिए यस सर सेकेंड पॉइंट है फॉर टर्निंग ऑन द टेलीविजन टेलीविजन को जब हम ऑन करते हैं टर्न करते हैं तो क्या होता है फर्स्ट हमारा इनपुट क्या है इनपुट के थ्रू हम क्या करते हैं अपने चैनल्स को सेलेक्ट करते हैं फिर उसमें प्रोसेसिंग के थ्रू आपका ऑन हो जाता है मिस सिस्टम को ऑन कर दिया पहले रिमोट के थ्रू फिर टेलीविज़न में प्रोसेसिंग हुआ देन आपका चैनल स्टार्ट हो गया तो ये भी प्रोसेस क्या है इनपुट प्रोसेस आउटपुट है ना स्टूडेंट इनपुट प्रोसेस आउटपुट हम मैथमेटिक्स के थ्रू भी समझ लेते हैं इनपुट में हमने दिया है फोर कॉमा टू मल्टीप्लाई मीन्स फोर और टू क्या है हमारे टू वैल्यूज हैं जिनको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोसेसिंग में क्या हो फोर मल्टीप्लाई बाय टू हो गया सीपीयू के थ्रू देन आउटपुट कितना आया एट तो ये इनपुट है जो कीबोर्ड से देंगे प्रोसेसिंग में सीपीयू के थ्रू होगा एंड आउटपुट हमें मॉनिटर के स्क्रीन पे शो हो जाएगा इन दैवऑफ एग्जांपल इन दिस गिवन एग्जांपल फोर एंड टू आर डेटा जो डेटा है हमारा डाटा या डेटा जो भी है परफॉर्म करने के लिए टू मल्टीप्लाई द नंबर इज़ द इंस्ट्रक्शन जो इंस्ट्रक्शन थे मल्टीप्लीकेशन के लिए फिर प्रोसेस क्या हुआ सी के थ्रू मल्टीप्लीकेशन हुआ फोर एट टू का और आंसर कितना आया एट एट इज़ द रिजल्ट ऑफ फाइनल आउटपुट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टूडेंट यहाँ तक आई साइकिल के थ्रू देख सकते हैं ऑरेंज जूस जो, जो मैंने आपको बताया है ऑरेंज पील्स हो गए इनपुट में प्रोसेसिंग होगी जूसर में एंड देन जूस आपका रेडी हो गया है तो ये क्या है सिंपल प्रोसेस है इसी तरीके से मैथमेटिक्स का भी प्रोसेस सेम वही है टू प्लस थ्री आप दे रहे हैं तो क्या होगा प्रोसेसिंग के बाद आपको फाइव मिल जाएगा एज अ आउटपुट स्टूडेंट यहाँ तक कोई डाउट हो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगर कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताइए चलिए फिर इस सेशन में आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं ओके स्टूडेंट सेशन आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर फोर रिवाइज़ हो गया है अगर स्टूडेंट आपने पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन तो से जाके वहाँ से लिंक से पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री देख सकते हैं आपका रिविजन सेशन है एग्जाम्स के लिए आपका बेस्ट रहेगा थैंक यू बाय टेक केयर